नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शून्यम। आपका ज्ञान और विज्ञान चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत कम सांप ही जहरीले होते हैं, और जब कोई सांप इंसान को काटता है तो इसकी बहुत कम संभावना होती है कि वो जहरीला हो। परंतु सांप जहरीला हो भी सकता है, इसीलिए हमें सांप के काटने पर क्या करना चाहिए इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, पूरी बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सांपों से संबंधित कई वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूं, जिन्हें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब पूरी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया में पाए जाने वाले सांपों में केवल 15 से 20% सांप ही जहरीले होते हैं। दुनिया में लगभग 2500 सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से करीब 550 प्रजातियां भारत में मिलती हैं, जिसमें से केवल 11 प्रजातियों के सांप जैसे कि कोबरा, करैत या वाइपर आदि में घातक जानलेवा जहर होता है, और इनके काटने पर 10 से 30 मिनट के अंदर इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे बचाना संभव नहीं हो पाता। बाकी जहरीले सांपों में बहुत धीमा जहर होता है और इनके काटने पर साधारणतया मृत्यु नहीं होती या मृत्यु होने में कई घंटे लग जाते हैं। कई व्यक्तियों की सांप काटने के नाम से ही घबराहट और भय के कारण हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के मन से डर को निकालें, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि जिस सांप ने व्यक्ति को काटा है वो घातक विषैला हो। दोस्तों, अक्सर ग्रामीण इलाकों में ये देखा जाता है कि लोग सांप के काटने पर व्यक्ति को झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के पास लेकर जाते हैं। कई बार झाड़ फूंक से इंसान इसलिए सही हो जाता है क्योंकि काटने वाला सांप जहरीला नहीं होता। तो सबसे पहले आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि सांप के काटने पर काटे हुए व्यक्ति को सबसे पहले अस्पताल लेकर जाएं, परंतु हो सकता है अस्पताल काफ़ी दूर हो और अस्पताल पहुंचने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इसीलिए आपको सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करना चाहिए। दोस्तों, साधारणतया सांप हाथ या पैर में काटता है और तुरंत ही सांप का जहर काटे हुए स्थान से शरीर के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जहर को शरीर में फैलने से रोकने के लिए कटे हुए स्थान के ऊपर और नीचे पतली रस्सी से टाइट बांधकर गांठ लगा दें। यदि आपने जूते पहने हैं तो जूते के फीतों का इस्तेमाल करें। यदि जूते फीते वाले नहीं हैं तो कपड़े की पतली पट्टी फाड़ने में संकोच ना करें। इंसान का जीवन कपड़े से बहुत ज़्यादा कीमती है। ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है वो शांत और सहज रहे और हाथ पैर न चलाए। शरीर में ज़्यादा गति होने पर शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है और जहर उतनी ही जल्दी शरीर में फैलने लगेगा। दोस्तों, दूसरा काम जो आपको करना है कि तुरंत एक ब्लेड या धारदार चाकू से कटे हुए स्थान पर एक छोटा सा कट लगा दें और दूषित रक्त को बाहर निकालने का प्रयास करें। जितना जहर शरीर से बाहर निकल जाएगा उतना ही इंसान खतरे से बाहर निकल जाएगा। परंतु इस समय एक बात का खास ध्यान रखें कि बहुत अधिक खून ना बहे, वरना पीड़ित व्यक्ति को चक्कर या बेहोशी आने का खतरा भी है, जो इस स्थिति में हानिकारक है। इसके बाद भी यदि आप पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाने में सक्षम नहीं है तो कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, जैसे कि नींबू का रस और मिट्टी का तेल रुई में डुबोकर सूजन की जगह पर हल्का हल्का मलने से सूजन, दर्द और जहर का असर कम करने में काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। इसके अलावा हींग और लहसुन पीसकर लेप को घाव के चारों तरफ लगाने से विष फैलने से रोकने में सहायता मिलती है। दोस्तों, हम सभी सांप से डरते हैं, परंतु ये भी उतना ही सच है कि सांप भी हमसे उतना ही डरते हैं। और जब सांप को हमसे खतरा महसूस होता है सिर्फ तभी वो हमें काटता है। यदि आपने गौर किया हो तो आप समझ जाएंगे कि सांप हमें तभी काटता है जब अचानक गलती से हमारा पांव सांप के ऊपर पड़ जाए, या हम सांप को बेवजह छेड़ें या नुकसान पहुंचाएं, या फिर सांप अचानक से हमारे सामने आ जाए और हम भागने की कोशिश करें, या फिर सांप किसी कारण गुस्से में हो। कारण कुछ भी हो, परंतु सांप काटता तभी है जब उसे खतरा महसूस होता है। दोस्तों, साधारणतया जहरीले सांप के काटने पर दो गहरे निशान दिखाई देते हैं, परंतु कभी कभी सांप के दांत बहुत पतले और नुकीले होने पर निशान दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कभी कभी सांप के काटने पर दो से अधिक निशान भी देखने को मिल जाते हैं। इस स्थिति में सांप के जहरीले होने की संभावना कम होती है, परंतु किसी भी स्थिति में कोई रिस्क ना लें और प्राथमिक उपचार करके
तुरंत व्यक्ति को अस्पताल जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, एक एंटी वेनम दवाई जिसका नाम नाजा 200 है, जो साधारणतः हर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, इसको आप अपने घर पर खरीद कर रख सकते हैं। इसकी कीमत 125 रुपये है। इस दवाई की एक एक बूंद हर 10 मिनट के अंतराल पर 3 बार पीड़ित के मुंह में डालें। यदि आपने नाजा 200 दवाई पीड़ित को दे भी दी है, तब भी एक बार पीड़ित को अस्पताल लेकर जरूर जाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि गलती से सांप किसी को काट ले तो सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।